प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। आज प्रभु ने इस तरह से एक मौका और दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। इन दिनों व्यावहारिक मसीही जीवन से संबंधित कई बातों को हम प्रभु के वचन से देख रहे हैं। आज मैं
एक सीरीज चालू करना चाहता हूं जो कि हम सब के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जिसे कई बार हम जिसकी उपेक्षा कर जाते हैं, और वो विषय है 10 आज्ञाएं। हर मसीही इस बात को जानता है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी, लेकिन कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अरे 10 आज्ञाएं वो तो पुराने नियम में परमेश्वर ने यहूदियों को दिया था या इसराइलियों को दिया था, और मैं ना यहूदी हूं ना इसराइली हूं, इसलिए 10 आज्ञाएं मुझ पर लागू नहीं होती हैं। ये एक गलत सोच है। यदि 10 आज्ञा में लिखा है कि तू चोरी ना करना, और यदि आप कहें कि आप तो मसीही हैं इसलिए 10 आज्ञा आपके ऊपर लागू नहीं होती, तो इसका मतलब यह है क्या कि आप चोरी कर सकते हैं? जी नहीं। हाँ, पुराने नियम में जब 10 आज्ञाएं दी गई थी तब उसके विविध प्रकार के उद्देश्य थे। उनमें से सारे उद्देश्य नए नियम के विश्वासियों के ऊपर लागू नहीं होते, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 10 आज्ञाओं का महत्व हमारे लिए बहुत ज्यादा है। 10 आज्ञाओं को सबसे पहले हम देखते हैं निर्गमन के पुस्तक 10वें अध्याय में, और मेरा सभी भाई और बहनों से एक अनुरोध है कि सभी लोग पवित्र बाइबल को हाथ में लेकर बैठें। मसीही जगत में लोगों की यह आदत है कि जब वे चर्च जाते हैं, विशेषकर ब्रदरन असेंबलीज में, तो हर व्यक्ति पवित्र शास्त्र हाथ में लेके जाता है, खोलकर देखता है। जूम ने हमारी आदतें कुछ इस तरह से बिगाड़ दी हैं कि अब हम बाइबल को अलमारी में रख के प्रभु का संदेश सुनने के लिए आते हैं। तो आज शुरू में ही मैं जरा याद दिला दूं, कृपया पवित्र बाइबल लेके अपनी गोदी में रख लें, और बाइबल से मैं जो आपको पढ़कर सुना रहा हूं उसको देखते चले जाएं। 10 आज्ञाओं के बारे में लोगों को यह गलतफहमी है कि ये यहूदियों के लिए है, ऐसा नहीं है। 10 आज्ञाएं आत्मिक जीवन से संबंधित 10 ऐसे नियम है जो जिनको हम कह सकते हैं सार्वलौकिक नियम या शाश्वत नियम। हम शाश्वत नियम उन नियमों के बारे में कहते हैं जो कि हर जगह, हर युग में, हर समाज में और हर संस्कृति में लागू होते हैं। 10 आज्ञाओं के बारे में कई बातें हम प्रभु के वचन में देखते हैं, लेकिन प्रभु के वचन से ही हम उसको देख सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। देखिए, प्रभु के वचन में, प्रभु का वचन ही परमेश्वर का वचन है, और प्रभु के वचन में हम कई जगह ये देखते हैं कि परमेश्वर लोगों से बात करते हैं। प्रभु के दास गब्बर सिंह इन पदों को पोस्ट करते चले जा रहे हैं, तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि जहां तक हो सके प्रभु के वचन से उसको खोलकर डायरेक्टली पढ़ें। मतलब भाई गब्बर के ऊपर डिपेंड करने के बदले प्रभु के वचन के ऊपर डिपेंड करें, और भाई गब्बर इसका बिल्कुल, मेरी टिप्पणी का बिल्कुल बुरा ना माने। परमेश्वर लोगों से बात करते हुए हम हर जगह देखते हैं प्रभु के वचन में, लेकिन यहां एक विशेषता है कि 10 आज्ञाओं का आरंभ ही इस स्टेटमेंट से या कथन से होता है कि तब परमेश्वर ने ये वचन कहे। मैं जरा इसकी पृष्ठभूमि आपको याद दिला दूं। परमेश्वर का वचन 66 पुस्तकों के रूप में हमारे हाथ में है, लेकिन इन 66 पुस्तकों में सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो परमेश्वर ने अपने स्वयं के हाथों से लिखा है, और वो है 10 आज्ञाएं। आपको याद होगा परमेश्वर ने मूसा से कहा था
कि पत्थर की दो पटिए बना लेना, उस इलाके में पत्थर इस प्रकार का विशेष पत्थर मिलता था जिससे बहुत ही चिकना चिकने पटिए बनाए जा सकते थे, बड़े बड़े पटिए। हम अब तो यूज कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद रसोई में जो सूप यूज किया जाता है लगभग उतने बड़े पटिए पतले बनाए जा सकते थे और उसको चिकना किया जा सकता था, उसके ऊपर लिखा जा सकता था। इस तरह के चिकने पटिए जिन पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, सैकड़ों पटिए वैज्ञानिकों की नजर में आए हैं। तो ये उस समय की एक लेखन सामग्री थी जिसके ऊपर वे चीजें लिखी जाती थी जो स्थाई होती थी, रफ वर्क के लिए नहीं यूज होता था। पत्थर के पटियों पर स्थाई चीजें लिखी जाती थी। तो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि स्थाई चीजें इस युग में जिस लेखन सामग्री के ऊपर लिखी जाती है, उस लेखन सामग्री मतलब पत्थर के चिकने दो पटिए लेकर मेरे पास ऊपर आ जाओ। मूसा परमेश्वर के महान दास और नायक मूसा इन पटियों को लेकर पहाड़ पर चढ़कर प्रभु की उपस्थिति में चले गए और प्रभु का वचन स्पष्टतया बताता है कि प्रभु ने स्वयं लिखकर मूसा को दिया। ऑफ कोर्स हम इस बात को जानते हैं कि मूसा को लिख के दिया और मूसा उन पटियों को लेकर जब नीचे आया तब बड़ी दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना ये हुई कि लोग मूसा जब नीचे आया तो वहां तो बड़ा नाच गाना हो रहा था, सोने की मूर्ति के चारों ओर नाच रहे थे, गा रहे थे और तमाम तरह के कुकर्म कर रहे थे और बोलते जा रहे थे या दावा करते जा रहे थे कि सोने की ये जो मूर्ति है मतलब मिस्र देश का जो बैल देवता है, ये देवता हमको मिस्र देश से आजाद करके लाया है। उस समय मूसा के हाथ में जो पटिए थी मूसा ने फेंक कर तोड़ दी थी। मूसा के कहने का मतलब था कि तुम प्रभु का वचन मानने के लिए बाध्य लोग, तुम अपने कर्मों के द्वारा प्रभु के वचन का उल्लंघन कर रहे हो, और इसलिए क्रोध में उसने वो पटिए तोड़ दी थी। लेकिन बाद में प्रभु ने दो और पटिए बनाने को मूसा से कहा और जब मूसा ने उनको बनाया उन पर भी प्रभु ने अपने हाथों से लिखा, ये हम देखते हैं। तो यहां आरंभ में ही हम देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा है तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। आज संध्या जब हम प्रभु के वचन की उपस्थिति में बैठकर 10 आज्ञाओं का अध्ययन आरंभ करते हैं तब हमें पूरी तरह से इस सोच के साथ जागृता के साथ बैठकर इनको सुनना चाहिए कि परमेश्वर ने इन 10 आज्ञाओं को इतना महत्वपूर्ण समझा कि मूसा को डिक्टेशन देने के बदले परमेश्वर ने स्वयं लिखकर मूसा को दिया। और यदि ये आज्ञाएं इतनी महत्वपूर्ण है तो हमको भी उतने ही अधिक गंभीरता से इन आज्ञाओं को लेना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। अक्सर जब मैं 10 आज्ञाओं की बात करता हूं या नियमों की बात करता हूं तो लोग अक्सर कहते हैं कि अरे काहे को नियम बनाकर लोगों को परेशान करते हो, लोगों को बुद्धि और सोच के हिसाब से सही सही अपनी इच्छा से चुनने के लिए आजादी दो। आज भारत में इस तरह के कई चिंतक उठ खड़े हुए हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि सारे नियम और कानून खत्म कर दो और देश में सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आज से कुछ साल पहले इस विषय पर एक किताब मेरे हाथ आई थी जिसको एक बहुत बड़े पुलिस अफसर ने लिखा था। उस पुलिस अफसर का दावा था कि देश में जितने नियम और कानून हैं सब आप खत्म कर दीजिए और देश में अमन चैन हो जाएगा।
इसके दो पहलू हैं जो सोचने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज दुनिया में इस तरह के कई देश है जहां कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। उदाहरण अफगानिस्तान के कई इलाके जहां कोई सरकार नहीं है, वहां किसी तरह का कोई कानून नहीं है, कोई लिखित कानून नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। सड़क पर यह नहीं लिखा है कि आपको लेफ्ट साइड में जाना है। इन देशों में आजादी है या नहीं, यदि इन देशों को आप गहराई से देखेंगे तो पता चलेंगे कि अफगानिस्तान के इन इलाकों में जहां कोई पुलिस नहीं है, जहां कोई लिखित कानून नहीं है, वहां गुंडे और लुच्चे राज्य करते हैं। जब इच्छा हुई आपके घर आए, सब लूट के ले गए। आपके घर में जो स्त्रियां हैं उनको गुलाम बनाकर ले गए। आपके घर में जो जवान स्वस्थ बच्चे हैं उनको ले गए, जिससे कि उन लोगों के लिए नौकरी करे। तो हाँ, ये प्रयोग कई देशों में किया जा चुका है कि सब तरह के नियम और कानून समाप्त कर दिया जाए। किसी तरह का कोई कानून नहीं, किसी तरह की कोई बंदिश नहीं। परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि जिस देश में कोई कानून और कोई बंदिश नहीं है, वहां महज गुंडों, लुच्चों और डाकुओं का राज हो जाता है। कानूनों को खत्म करके कौन व्यक्ति है जो इस तरह का राज चाहता है? नंबर दो, जरा सोच कर देखिए कि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां सड़क के सारे कानून समाप्त कर दिए जाते हैं। आइंदा लाइसेंस हो या ना हो, आप गाड़ी चला सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति गाड़ी चला सकता है, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। अभी लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलाना जरूरी है, उस समय नियम समाप्त हो गया, ना तो लाइसेंस की जरूरत है ना लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलाने की जरूरत है। आप लेफ्ट चाहे तो लेफ्ट चलाएं, राइट चाहे तो राइट चलाएं। लाइसेंस जरूरी नहीं है, इसलिए आपकी गाड़ी यदि आपका 10 साल का बच्चा घर से उठाकर ले जाता है तो उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। और बच्चे की अचानक इच्छा होती है कि हाँ, मैं जरा सबको दिखाऊंगा कि मैं भी बहुत श्याना व्यक्ति हूं और इसलिए मैं तो सड़क पर रेस लगाऊंगा। सड़क पर बाकायदा शादी की बारात जा रही है, 400-500 लोग है और उन सबके ऊपर से वो रेस लगा के गाड़ी ले जाता है। पता चलता है कि सैकड़ों घायल हुए, दर्जनों की छुट्टी हो गई दुनिया से। जिस राज्य में कानून है वहां ऐसी चीजें नहीं होती है, या होती है तो सीमित होती है। लेकिन जैसे ही कानून समाप्त कर दिया जाता है, बस मैंने तो सिर्फ सड़क का कानून समाप्त करने की बात की, आप जानते हैं एक ही दिन में कैसा कलाप हो जाएगा, कैसी हिंसा हो जाएगी। तो यदि सड़क का कानून समाप्त करने पर यह स्थिति है तो सारे कानून समाप्त करने पर क्या होगा? इस कारण जो अराजकत्व उसको उसका प्रचार करते हैं और जो लोग कहते हैं कि हर तरह के नियम और कानून समाप्त हो जाएं तो समाज में शांति होगी, वे लोग समाज को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। यदि समाज में इस तरह से नियमों और कानून की जरूरत है तो आत्मिक जगत में भी नियमों और कानून की जरूरत है। अक्सर हम लोग जो नए नियम के विश्वासी लोग हैं, हम लोग प्रभु के वचन में हमारे लिए जो जरूरी नियम और कानून है उनको भी ध्यान से देखने की कोशिश नहीं करते हैं। ये एक बहुत गलत बात है। ये सही है कि नए नियम में जो लोग नए नियम के युग में हैं, वे लोग व्यवस्था के अधीन नहीं है। हम लोग पुराने नियम की व्यवस्था के अधीन नहीं है, लेकिन उसका मतलब कई लोग ये निकालते हैं कि हम लोग व्यवस्थाहीन हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग पुराने नियम की व्यवस्था के अधीन नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग व्यवस्थाहीन हैं। बल्कि नए नियम में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं
जिनके बारे में जानना और जिनका पालन करना हम में से हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसमें पहली व्यवस्था निर्गमन 20वें अध्याय के दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। आप कहेंगे कि ब्रदर मैं और आप तो मिस्र देश से नहीं निकाले। बिल्कुल सही, मैं और आप मिस्र देश से नहीं निकाल के लाए गए हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि मैं और आप पाप के दासत्व में थे। प्रभु का वचन याद दिलाता है सबने पाप किया है। प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है पाप की मजदूरी है मृत्यु। तो हम सब मृत्यु के अधीन थे, मृत्यु के गुलाम थे, इस बात को ना भूलें। इस कारण आज संध्या प्रभु का वचन जो लोग सुन रहे हैं उनमें से जिस भाई या जिस बहन ने भी अपने जीवन में प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाया है, मुक्ति पाई है, उसके लिए निश्चित रूप से यह स्टेटमेंट लागू होता है कि मैं तुझे दासत्व के घर से निकाल लाया हूं। प्रभु मुझे और आपको पाप की गुलामी से छुड़ा लाए हैं। इस कारण पहली आज्ञा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आप कहेंगे कि ब्रदर हम तो प्रभु को छोड़कर और किसी को ईश्वर नहीं मानते हैं। हाँ, मोटे तौर पर हम में से हर व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा मानता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, लेकिन जब प्रभु का वचन ये कहता है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो उस कथन के या उस आज्ञा के बहुत सारे पहलू हैं जो हमको समझना चाहिए। प्रभु का वचन स्वयं, मतलब प्रभु स्वयं कुछ पहलुओं को एक यहां पर समझाते हैं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो जब प्रभु ने कहा कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, तो उस आज्ञा के कई पहलू हैं। उसमें से एक पहलू यह है कि हम किसी भी तरह से मूर्ति पूजा ना करें। और यहां पर साफ साफ लिखा है जो आकाश में है, पृथ्वी पर है या जल में है, मतलब जितने जीवित और बिना जीवन की चीजें हैं जिनके प्रति लोगों का ध्यान और लोगों का आकर्षण है, इसमें से किसी भी चीज की मूर्ति बनाने से प्रभु ने मना किया है। आप कहेंगे कि ब्रदर इसका मतलब यह है क्या कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं हम उनसे घृण करें या उनको जाके बताएं कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, गलत कर रहे हो? जी नहीं। जब एक बाप अपने बेटे को ये शिक्षा देता है कि बेटा तुम सदा सत्य बोलना, तो उसका मतलब नहीं है कि बेटा जाके समाज में सारे लड़के जो है उनको डंडा लेके सबको खड़े हो जाओ, सब लोग तुम में से कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है और मैं अभी तुमको सजा देता हूं। जी नहीं। जब प्रभु का वचन कहता है कि जिन्होंने गुलामी से मुक्ति पाई है, पुराने जमाने में जब ये लिखा गया था तब जिन्होंने मिस्र देश से मुक्ति पाई थी और नए नियम में जिन्होंने अपने पाप से मुक्ति पाई है, वे लोग, प्रभु का वचन याद दिलाता है, वे लोग किसी भी तरह की प्रतिमा मत बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि जाके जितने लोग मूर्ति पूजा करते हैं सबसे कहो कि ये बंद करो ये क्या है। जी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस बात को मैं विशेष याद दिलाना चाहता हूं
कि आप अपने विश्वास में दृढ़ रहें, जाकर ये बातें उनको बताने की जरूरत नहीं है। एक मसीही को सिर्फ एक संदेश गैर मसीहियों को बताने के लिए दिया गया है, बाकी कुछ भी गैर मसीहियों को बताने के लिए आपको नहीं दिया गया है। आप पूछेंगे कि वह कौन सा संदेश है जो गैर मसीहियों को सुनाने के लिए, बताने के लिए प्रभु ने मुझे दिया है। वो एकमात्र संदेश यह है, मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपको शाश्वत जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आज से 2000 साल पहले पधारे थे। उस संदेश को सुनकर मैंने अपने जीवन में पापों से क्षमा पाई, मुक्ति पाई, शाश्वत जीवन पाया, और आज मैं ये संदेश आपको बताना चाहता हूं, उसके लिए आया हूं। प्रभु का वचन यह एकमात्र संदेश है जो हमको देता है, जो हम गैर मसीहियों को दें। जाकर उनसे ये कहना कि भाई ये क्या है, क्यों मूर्ति पूजा करते हो, और इसका कुछ इतिहास तुमको मालूम है क्या? इससे आपका कोई लेन देन नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है। प्रभु के वचन में कभी भी प्रभु के बच्चों को ये आज्ञा नहीं दी गई है कि आप जाके उनके व्यक्तिगत जीवन में इंटरफियर करें, बाधा डालें। उनके व्यक्तिगत जीवन में बाधा डालना एक मसीही के लिए पूर्णतया गलत है, अनिश्चित है। इस बात को समझकर हम आगे बढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रभु के वचन में जो कहा गया है हम उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली हमारे अज्ञान की एक निशानी है। इसलिए ये पद जब भी मैं प्रभु के वचन से मसीही मित्रों के सामने पढ़ता हूं, तब उनको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि ये आज्ञा प्रभु ने उन लोगों को दी है जिन्होंने मुक्ति पाई है, और लोगों को ये आज्ञा नहीं दी है कि जाकर अपने आसपास के जिन लोगों ने अभी तक प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति का अनुभव नहीं किया, जाकर उनको भी बताओ, या जाके उनके जीवन में बाधा डालो या टांग गड़ाओ। इस तरह से टांग गड़ा के बहुत सारे लोग मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि प्रभु का वचन जितना कहता है वो लोग उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि महाराज से भी ज्यादा विश्वास योग्यता दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब महाराज अपने प्रति जितनी वफादारी दिखाते हैं उससे ज्यादा आप दिखाने की कोशिश करते हैं, मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ। ये शुरू शुरू में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार लोग प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाने के लिए जब मीटिंग्स वगैरह में खड़े होते हैं तो वो स्टार्टिंग ही इन चीजों से करते हैं, तुम किसकी आराधना करते हो, ये क्या है, भैया तुम नहीं जानते कि वो क्यों कर रहा है, ना ही तुमको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जाकर उससे इस तरह से बात करो। मुझे और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो ये है, मेरे प्रिय मित्र, इस संसार में आपके जीवन में आशा है क्या? आप इस बात को जानते हैं क्या कि भविष्य में आप कहां जाएंगे, आपका भविष्य कहां बीतेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे प्रभु ने एक नई जिंदगी दी है, उस जिंदगी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये है वो जो संदेश जो गैर मसीही लोगों को देना है। बाकी सब संदेश यहां हम जो पढ़ रहे हैं ये मसीहियों के लिए, इस बात को समझकर हम आगे बढ़े। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तुम उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। यहां पर बहुत सारी बातें हमारे समझने के लिए हैं। नंबर वन,
हम में से भी कई लोग जाने या अनजाने कई बार घरों में प्रभु यीशु का चित्र लाकर सिटिंग रूम में टांग कर बाकायदा उसके ऊपर फूल माला वगैरह डाल देते हैं। ऐसे भी परिवार मैंने देखे हैं जहां बाकायदा प्रभु यीशु का चित्र और चित्र के थोड़े से नीचे एक स्टैंड पर बाकायदा दिया अगरबत्ती वगैरह। यदि आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं इनमें से यदि किसी के घर में इस तरह की कोई बात है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप प्रभु के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। नंबर वन, जिस चित्र को हम प्रभु यीशु का चित्र मानते हैं ये मुश्किल से 100 साल पुराना है। आज से 100 साल से ज्यादा पुराने प्रभु यीशु के चित्र यदि आप उठाकर देखें तो वो बिल्कुल इससे भिन्न है। उससे भी 400 साल पहले चले जाएं तो चित्र बिल्कुल भिन्न है। तो इस कारण प्रभु यीशु का कह के जो चित्र यूज किए जाते हैं उनके बारे में मैं याद दिला दूं, उनका प्रभु यीशु के एक्चुअल चेहरे मोहरे से कुछ भी लेना देना नहीं। नंबर टू, यदि किसी बच्चों के संडे स्कूल की पत्रिका वगैरह में प्रभु यीशु का चित्र दिखाया जाता है तो वो बेसिकली बच्चों को समझाने के लिए है, क्योंकि चित्रों के द्वारा बच्चे अच्छी तरह से समझ जाते हैं। लेकिन इस तरह का एक चित्र लाकर बाकायदा अपने घर में टांगना जहां लोग उसकी आराधना स्तुति करें पूजा पाठ करें, ये हर तरह से गलत है। और 10 आज्ञाओं में प्रभु ने जो पहली ही आज्ञा दी है उस आज्ञा का उल्लंघन है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद करना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी के जल में है। आप कहेंगे कि भाई मैं आकाश में पृथ्वी वगैरह के नहीं, मैं तो प्रभु यीशु के का चित्र घर में लगाए हुए हैं। इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु का कोई चित्र एक्चुअल चित्र नहीं है। और कई बार जब हम इन आकर्षक चित्रों को घर में सिटिंग रूम में टांग देते हैं तो उसकी पूजा, उसकी आराधना, उस पर माला डालना, दिया जलाना, अगरबत्ती वगैरह जलाने की टेंडेंसी हो जाती है। ये मूर्ति पूजा ही है, भले ही आप कितना भी उसके लिए बहाना बनाए, कितने ही कारण दे, लेकिन ये प्रभु के वचन का उल्लंघन है कि तू अपने लिए किसी भी चीज तरह की प्रतिमा ना बनाना। ना केवल प्रतिमा नहीं बनाना है, प्रभु का वचन याद दिलाता है उनको दंडवत नहीं करना, उनकी उपासना नहीं करना। आप कहेंगे कि हम अंकल जी मैंने तो सिर्फ चित्र टांग दिया है, उसकी कोई उपासना नहीं करता, ना ही उसका दंडवत करता हूं। ये आपकी गलत फहमी है। मान के चलिए कि वो चित्र कहीं रखा है और कोई व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता वो आके उस पर थूक दे, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? या आप न्यूट्रल रहेंगे कि अरे भैया काहे को यहां थूक दिया, बाहर थूक देते? ज्यादातर मसीही लोग नाराज हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जब आप अपने लिविंग रूम में इस तरह से एक चित्र प्रदर्शित करते हैं तो कहीं ना कहीं अंतर मन में ये फीलिंग होता है कि ये प्रभु है। और धीरे धीरे आराधना की जो टेंडेंसी है, आराधना की इच्छा है, वो बढ़ती चली जाती है। इस कारण मसीही भाई और बहनों के लिए ये सर्वोत्तम होगा कि वो संडे स्कूल वगैरह की किताबों में जो चित्र है उसकी तो उपेक्षा करें, क्योंकि वो तो बच्चों के ट्रेनिंग के लिए है। लेकिन बाकी लोगों के लिए अच्छा होगा कि घर में प्रभु यीशु का किसी भी तरह का चित्र ना टांगे, जिससे कि उस चित्र के प्रति आराधना की भावना ना उत्पन्न हो। इस बात को याद रखें, प्रभु का वचन याद दिलाता है मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूं, 5वें पद में, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। आप कहेंगे कि अरे बाप रे, इसका क्या मतलब है कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं? देखिए, जलन शब्द कई तरीके से यूज होता है। एक तो मनुष्य के लिए,
मनुष्य के लिए जब जलन शब्द का उपयोग होता है तो वो एक बुरे सेंस में होता है। कई बार लोगों के बारे में कहा जाता है वो तो जलता है। हम स्वयं जानते हैं कई बार हमारे ही मन में जलन या ईर्ष्या उत्पन्न होती है। हम में से कोई व्यक्ति नहीं है जो जलन की भावना से पूर्ण रूप से मुक्त हो। वो जलन अलग है। प्रभु के वचन में परमेश्वर के लिए कई बार कहा गया है कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं। उसका मतलब अलग है। उसका मतलब यह है कि सुनो, मुझे जो महिमा देनी चाहिए वो महिमा किसी को मत देना। यदि तुम दोगे तो मैं तुमको उसकी सजा दूंगा। प्रभु की ये जो भावना है इसको भी जलन कहा जाता है या जल जलाहट कहा जाता है। जल जलाहट का एक उदाहरण मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं। जब एस्तर ने अपने दुश्मन या यहूदियों के दुश्मन हामान के बारे में बोला कि प्रभु मेरे परिवार के लोगों को नष्ट करने के लिए ये आपके बगल में जो बैठा हुआ है इसने योजना बनाई है, वहां प्रभु का वचन कहता है कि राजा क्रोध से फट गया, जल जलाहट और रोष में उठकर बाहर चला गया कि अच्छा ये किया है तुमने। तो इस तरह से अपराध के विरुद्ध जो भावना होती है उसको भी जलन या जल जलाहट कहा जाता है। और प्रभु का वचन याद दिलाता है कि परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है, जिसका मतलब है परमेश्वर को जो महिमा देनी चाहिए, परमेश्वर को जो आदर देना चाहिए, वो आदर परमेश्वर से लेकर यदि हम किसी और को दे देते हैं तो परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात तो स्पष्ट है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि जो मुझसे बैर रखते हैं, कहां मूर्ति पूजा और कहां परमेश्वर से बैर, इसका इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो हमको समझ लेना चाहिए। जो भी व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करता है वो इस बात को जानता है कि मैं अपने सृष्टा, इस विश्व के सृष्टा की आराधना करने की कोशिश कर रहा हूं। और जिसने इस पूरे विश्व को रचा है, जब मैं उसकी आराधना करने की कोशिश कर रहा हूं तो उस सृष्टा की आराधना करने के लिए यदि मैं सीधे सीधे सृष्टा की आराधना करने के बदले जो स्वर्ग में है, आकाश में है, पृथ्वी पर है या समुद्र में है, इस तरह से किसी भी चीज की प्रतिमा बनाकर उसकी आराधना करता हूं तो मैं स्वाभाविक रूप से प्रभु का विरोध कर रहा हूं। इसका एक अच्छा उदाहरण अपने को निर्गमन में ही मिलता है। 20 के बाद ये जो 10 आज्ञाएं हैं इसके आसपास जो इतिहास है उसको जरा पढ़ें। परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया। मूसा के जाने के बाद लोगों को अगुवाई देने की जिम्मेदारी हारून की थी। ये हारून की जिम्मेदारी थी कि वे लोगों को गाइड करें। लेकिन क्या हुआ, जब मूसा काफी दिन दिखाई नहीं दिया तो इसराइलियों ने कहा कि वो आदमी, बहुत बुरा शब्द उन्होंने यूज किया, वो आदमी जो हमको मिस्र देश से छुड़ा कर लाया था पता नहीं उसका क्या हुआ। इस बात को याद रखें, इससे कुछ दिन पहले उन्होंने परमेश्वर की जो महिमा है उसको मुखामुख देखा था। जब लाल समुद्र चिरकर दो टुकड़े हो गया, इतिहास में उसके पहले इस तरह की कोई घटना, आज तक ऐसी घटना नहीं हुई, वहां उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा। उसके बाद
वे लोग जब समुद्र के पार हो गए तो समुद्र फिर से वापस आ गया। मिस्र देश के सारे घोड़े और रथ पानी में डूब गए, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। दिन में जो मेघ स्तंभ था उसको उन्होंने देखा, रात में अग्नि का जो स्तंभ है उन्होंने देखा। इसके बावजूद थोड़े से दिन मूसा नहीं दिखाई दिए तो एकदम से बड़बड़ करना शुरू कर दिया कि उस आदमी मूसा का क्या हुआ। इस कारण हमारे लिए देवता का निर्माण करो जो हमको वापस मिस्र देश में ले जाए। प्रिय भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली कथन नहीं है। मिस्र देश में ये लोग गुलाम थे, किसी तरह की कोई आजादी नहीं थी। यदि घर में कोई पुत्र पैदा होता था तो उसको नदी में डाल के डुबा देना पड़ता था। सुबह से शाम तक गुलामों के समान बेगारी करनी पड़ती, गुलाम ही तो थे, बेगारी करनी पड़ती थी। और इवन जो ईंट बनाते थे उसके लिए जो घास फूस लगती है उसका इंतजाम खुद करना पड़ता था। एक औसत व्यक्ति एक दिन में जितना काम कर सकता था उससे चौगुना काम उनको दिया जाता था, और जब वे लोग कर नहीं पाते थे तब जम के उनकी पिटाई होती थी। इन सब चीजों के प्रमाण पुरावस्तु शास्त्र में हमको मिलते हैं। उस देश में वो लोग वापस जाना चाहते थे। जरा सोचें, जब मनुष्य परमेश्वर के प्रति जो भय और भक्ति है उसको भूल जाता है तो वो परमेश्वर के द्वारा दी गई आजादी के बदले घोर गुलामी को पसंद करता है। आप कहेंगे ब्रदर आजकल तो गुलामी होती नहीं है। देखिए, यहां हम घोर गुलामी आदि की जो चर्चा कर रहे हैं ये आत्मिक गुलामी की बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको हमारे आत्मिक जीवन में जो आजादी दी है वो गजब की आजादी है। मनुष्य इस तरह की आजादी नहीं दे सकता है। आज हम भय से पूर्ण मुक्ति के साथ जीवन बिता रहे हैं। मेरे आपके चारों तरफ ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें जीवन में इस बात का यकीन नहीं है कि कल क्या होगा, जिन्हें जीवन में इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि जब हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे तब हमारा क्या होगा। भय में जीवन बिता रहे हैं, आत्मिक गुलामी में जीवन बिता रहे हैं। उस गुलामी से प्रभु ने हमको मुक्ति दी है, लेकिन कई बार हम अपनी सोच, अपनी बातचीत और अपने कर्मों के द्वारा इस तरह का कार्य करते हैं जो हमको वापस गुलामी की ओर ले जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रभु ने मदद की तो अपन लोग जिस तरह से क्रमबद्ध तरीके से प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहे हैं उसमें इस तरह के विषय भी आ जाएंगे जब इस बात के ऊपर और अधिक प्रकाश पड़ेगा। लेकिन अब वापस इसराइलियों की तरफ वापस आए, क्योंकि हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं। पांचवें पद में जब प्रभु ने कहा जो मुझसे बैर रखता है, परमेश्वर ने लगभग 20 लाख की जनता को मिस्र देश से आजादी दी। मिस्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था, उससे आजादी दी। फिरौन को डुबा के मार डाला, मेघ स्तंभ से उनको ढांपा, अग्नि के स्तंभ ने उनको रात को रोशनी दी, सुरक्षा दी, सब कुछ दिया। इसके बावजूद वो कहते हैं कि वापस मिस्र देश में चलो, गुलामी में चलो। उसके बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट, जो कथन कहा था उसकी तरफ ध्यान दें। हमारे लिए परमेश्वर बनाओ जो परमेश्वर हमको वापस मिस्र देश में ले जाएगा। आप पूछेंगे कि इसमें कौन बड़ी बात है।
मूल इब्रानी भाषा में उन्होंने यहोवा शब्द का उपयोग किया है, मतलब जो यहोवा परमेश्वर मिस्र देश में लोगों पर 10 मुसीबतें डाल के पहलौठे का संहार करके करोड़ों की संपत्ति के साथ उनको छुड़ा लाए थे, और जिस परमेश्वर ने लाल सागर को 2 में बांट दिया था, उस परमेश्वर के बारे में उनका कहना है कि अब एक मूर्ति को हम परमेश्वर मानेंगे। हारून, जब उन लोगों ने हारून से कहा तो हारून ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, ये सारा सोना वगैरह लाके दो, और लोगों ने मनो या टनो सोना ले जाके हारून को दिया, और हारून ने बछड़े की एक मूर्ति बनाई। बछड़े की क्यों बनाई? इसलिए कि मिस्र के लोग कई सारे देवी देवताओं की आराधना करते थे, जिसमें बछड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता था। ठीक है, ये भी बना लिया, हो गया। उसके बाद उस मूर्ति की स्थापना करने के बाद जो घोषणा की गई थी उसकी तरफ जरा ध्यान दें। घोषणा ये थी, हे इसराइलियों, यह तुम्हारा यहोवा परमेश्वर है जो तुमको मिस्र से छुड़ा कर लाया है। इस बात को जरा याद रखें, इस पे जरा ध्यान दें। हारून जो मूसा के साथ फिरौन के सामने कई बार गया था, उस हारून ने ना केवल मिस्र देश के एक बहुत ही मुख्य देवता की मूर्ति बनाई, उसके बाद उस हारून में इतनी हिम्मत आई कि वो लोगों से कह सके कि प्रभु के प्रिय बच्चों, तुमको मिस्र देश से जो यहोवा परमेश्वर छुड़ा कर लाया है, उस यहोवा परमेश्वर की मूर्ति देखो। ये परमेश्वर से बैर रखने के अलावा और क्या है? आप मान लीजिए अपने पिता को आदर देना चाहते हैं और घर में खूब जम के खान पान सारी तैयारी हो रही है, बाहर एक भिखारी आता है, अपने पिता की के आदर के लिए आपने जो कुछ रखा था वो सब उस भिखारी को दे देते। अरे भैया तुम कहां से आए, तुम्हारा तो इंतजार कर रहे थे, तुम्हारे लिए तो ये घर में सारा तामझाम हो रहा है। पिता का आदर ऐसे होता है क्या? आप तो पिता का अपमान कर रहे हैं। परमेश्वर जो उनको मिस्र देश से छुड़ाकर लाए थे, उस परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, लेकिन मिस्र देश के एक देवता की प्रतिमा को देखकर, ये परमेश्वर से विरोध नहीं तो और क्या है? इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है 5वें पद में, तुम उनको दंडवत ना करना ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर जो मुझसे बैर रखते हैं। ये परमेश्वर से बैर रखना ही है। परमेश्वर के बदले जब परमेश्वर की सृष्टि को प्रतिमा के रूप में स्थापित करने के बाद ये कहा जा रहा है कि यह प्रतिमा वह परमेश्वर है जो तुमको मिस्र देश से छुड़ा कर लाया है। आज संध्या जितने भाई और जितने बहन ये संदेश सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है, 21वीं शताब्दी में हम सब लोगों ने 50 इस तरह की चीजें बना ली हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान पा रहे हैं। शायद मेरा बेटा या बेटी, पति पत्नी या समाज में कोई उन्नत व्यक्ति, कोई हीरो, आप पूछेंगे कि ऐसा होता है कि? जी हाँ, ऐसा होता है। यदि आपने तमिलनाडु का इतिहास पढ़ा हो तो तमिलनाडु में ऐसा हो चुका है
कि राजनेता जब गुजर जाते हैं तो लोग मकान की छतों से कूद कर अपना जीवन दे देते हैं। राजनेताओं के प्रति उनकी भक्ति इतनी है कि राजनेता जब गुजर जाता है तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये हो सकता है जब हम मनुष्यों के प्रति इतना समर्पित हो जाएं कि इवन अपना जीवन उनके लिए देने को तैयार हो जाएं। इसलिए मैंने कहा कि जरा ध्यान से देखें, कहीं हमारा बेटा, हमारी बेटी, पति पत्नी या कई बार जीवन में कोई हॉबी, वही हमारा ईश्वर बन जाता है। मेरे पीछे आप 50 किताबें देख सकते हैं, किताबों से मेरा स्नेह बहुत है, मोह बहुत है, लेकिन यदि मैं ध्यान ना दूं तो किताबें मेरे ईश्वर बन सकती हैं। इस बात को हम ध्यान दें। जब प्रभु के वचन में ये कहा गया है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो उसका मतलब यह है कि मेरे आपके जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर के अलावा किसी भी चीज को नहीं देना है। और जब प्रभु का वचन ये कहता है कि कोई प्रतिमा ना बनाना, तो उसका मतलब यह है कि इवन प्रभु यीशु की प्रतिमा नहीं बनानी है। आपने देखा होगा कि ऐसे देश जहां पर मसीहियों की संख्या बहुत है, इवन भारत जहां मसीहियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, इसके बावजूद बहुत सारे लोग, मसीही लोग इस तरह का कार्य करते हैं। बहुत सारे चर्चेस हैं, गिरजे हैं, जहां पर बाकायदा आप प्रवेश करेंगे तो प्रभु यीशु की मूर्ति नजर आएगी। ये सब वर्जित है, पूरी तरह से वर्जित है। इतना ही नहीं, इसका एक साइड रिएक्शन, इसकी एक प्रतिक्रिया भी होती है। प्रतिक्रिया ये है कि एक बार जब हम परमेश्वर की प्रतिमा बनाने की कोशिश करते हैं और जब उसको सबका स्वीकार मिल जाता है, तो बाद में हम और भी प्रतिमाएं बनाने लगते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि जिन गिरजाघरों में प्रभु यीशु की प्रतिमाएं लगी रहती हैं, उन गिरजाघरों में प्रभु की मां मरियम की प्रतिमा भी लगी रहती है। मरियम की भी लोग आराधना करते हैं। जब भी मनुष्य परमेश्वर को जो आदर देना है, वो आदर किसी मूर्ति को या प्रतिमा को देने लगता है, तो उसके बाद तो फिर वो हरेक की प्रतिमा बनाने लगता है। ना केवल प्रभु यीशु की मां मरियम की आराधना करते हैं, बल्कि इस पूरे विश्व के सृष्टा प्रभु यीशु, जो आज स्वर्ग में विराजमान है, उनको उस मां के हाथ में एक शिशु के रूप में दिखा दिया जाता है। ये प्रभु के प्रति भक्ति नहीं है, ये प्रभु का अपमान है। प्रभु का वचन जब कहता है कि सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी है, तो आप जो है प्रभु के मां की आराधना कर रहे हैं। और जिन गिरजाघरों में प्रभु की और प्रभु के मां की प्रतिमाएं दिखती हैं, वहां यदि आप और जाएं तो खासकर धनी राज्यों में आप आगे बढ़ें, तो वहां तो तमाम तरह के मनुष्यों की प्रतिमाएं भी नजर आएंगी, और लोग बाकायदा उन प्रतिमाओं के सामने भी सर झुकाते हैं। तो जब प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि मेरे अलावा किसी को ईश्वर करके ना मानना, तो उस आज्ञा का जब हम उल्लंघन करते हैं, तो वो उल्लंघन तो फिर पतंग की डोर के समान वो लंबा होता ही चला जाता है, ढील देते 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 पता नहीं कहां पहुंच जाता है। और फाइनली स्थिति ये होती है कि लोग लकड़ी के टुकड़ों की आराधना करते हैं, कपड़े के टुकड़ों की आराधना करते हैं। जब पूछा जाता है कि अच्छा ये लकड़ी का टुकड़ा ये क्या है, ये प्रभु यीशु की सूली का एक छोटा सा टुकड़ा है, और ये कपड़ा के प्रभु के वस्त्र का एक टुकड़ा है, अच्छा इसलिए आप उससे माथा टेक रहे हैं। जी हाँ, इस बात को आज संध्या को समझ लें। लंघन यदि एक जगह स्टार्ट होता है तो वो वहां रुकता नहीं, फिर वो चलता चला जाता है।
स्वेटर का धागा, बुने हुए स्वेटर का धागा जब खुल जाता है तो कोई बच्चा, बच्चों को तो बहुत मजा आता, मुझे तो बहुत मजा आता था, उसको पकड़ के खींचते चले जाए सारा स्वेटर खुल जाएगा। आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है, जब प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरे अलावा किसी और की ईश्वर ना मानना, तो उसके पचासों कारण है। पहला कारण यह है कि ईश्वर का जो, ईश्वर को जो आदर देना है वो ईश्वर को ही देना है। नंबर दो, यदि हम परमेश्वर को आदर देने के बदले यदि प्रतिमाओं को आदर देने लगे तो फाइनली स्थिति ये हो जाएगी कि कपड़े का टुकड़ा है उसको चूम रहे हैं, लकड़ी का टुकड़ा है उसको चूम रहे हैं, और तमाम तरह के और भी घिनौने कार्य जो परमेश्वर के लिए घृणित है वो करेंगे। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। दस आज्ञाओं में अभी और बहुत सारी बातें हैं, इवन ये जो पहली आज्ञा है ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, इसमें एक दो चीजें और हैं, और यदि प्रभु ने मदद की तो अगली बार हम देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना याद रखना पर्याप्त है, मनुष्य को आज से सहस्त्रों साल पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सृष्टि करके इस पृथ्वी पर रखा, जिससे कि हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन परमेश्वर की आराधना करने के बदले यदि हम जरा सा भी लंघन करके यदि एक प्रतिमा की आराधना स्टार्ट कर दें, तो प्रतिमा पर नहीं रुकेगा, पहले तो परमेश्वर की तथा कथित प्रतिमा होगी, उसके बाद अन्य लोग जैसे मरियम की प्रतिमा होगी, उसके बाद अन्य लोग जैसे संतों की प्रतिमा होगी, उसके बाद कपड़ों के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े और पता नहीं क्या क्या चीजों की आराधना और स्तुति आरंभ हो जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। प्रभु का वचन इन सब बातों को हमारे सामने एक एक करके रखता है। प्रभु ने मदद की तो हम भी एक एक करके देखते चले जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, दस आज्ञाओं का पूरी तरह से विस्तार से अध्ययन हम में से हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, हमारे लिए हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा। प्रभु हमारी मदद करें जिससे कि हम बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इन बातों का अध्ययन आने वाले दिनों में कर सकें और अपने जीवन को भय और भक्ति के साथ बिता सके। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।